हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, बिकॉज इसमें मैं आपको बहुत सारी ट्रिक्स बताने जा रही हूँ, और वो ट्रिक्स जो है वो आपके जियोग्राफी पर बेस्ड होंगी। अभी कुछ और ऐसी वीडियोज़ आएंगी जिसमें आपको ऐसी ट्रिक्स मिलेंगी। लगभग एक वीडियो मैं ऐसी और बनाऊंगी जिसमें आपको बहुत सारी ट्रिक्स बताऊंगी। तो आज भी हम लोग बहुत सारी ट्रिक्स देखने वाले हैं और उनसे हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। क्या चीज़ें होंगी वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली हमारी जो ट्रिक हैं वो किस पर बेस्ड हैं, वो बहुउद्देशीय परियोजनाएँ, यानी कि जो भी आपके डैम्स वगैरह होते हैं ना, उन पर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, इसके साथ वो किस रिवर पर बने हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग आज देखने वाले हैं। और कौन से राज्य में स्थित हैं, या फिर किस राज्य को सिंचित करते हैं, या मतलब किस राज्य के लिए जो है लाभ पहुंचाते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोग आज देखने वाले। तो आज की हमारी वीडियो बहुत ही खास होगी, आप लोगों को वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। और जितने भी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अन अकेडमी का रेलवे चैम्पियनशिप लीग स्टार्ट हो गया है। आपको वो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी उसकी, कि आपको इनरोल कैसे करना है, और इनरोल करने से फ़ायदा आपका क्या होगा वो भी आपको बता देते। तो फ़ायदा आपका ये होगा कि आप अगर टॉप थ्री में सेलेक्ट होते हो, कुछ टेस्ट होंगे 25th को, 26th ऑफ अक्टूबर को, और 29th ऑफ अक्टूबर को 11 AM पे, ठीक है, टाइम ध्यान रखिएगा। ये तीन दिन ये जो है आपके टेस्ट होंगे, टेस्ट बेस्ड होंगे जीए पे आपके, इसके अलावा रीजनिंग और मैथ्स, जैसा कि आपके रेलवे का जो भी आपका आता है उसी तरीके का। और अगर इसमें आप अच्छा कर ले जाते हो, बहुत अच्छा कर ले जाते हो, टॉप थ्री तक स्कोर आप कर लेते हो, ठीक है, टॉप थ्री में आप सिलेक्ट हो जाते हो, तो आपको एक्साइटिंग प्राइसेस अन अकेडमी की तरफ से मिलेंगे, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड जो भी टॉपर्स हैं उनको, ठीक। तो जितने भी लोग हैं, आपको देखिए कोई भी आपका पैसा नहीं लगना, ये आपका एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आपको क्या करना है, आपको देखना चाहिए कि आप अभी कहाँ पे हो, किस तरीके से आपकी तैयारी चल रही है, कितने लोग आपसे बेटर कर ले रहे हैं, और आप में क्या कमी रह जा रही है, ठीक है। हम लोग ST ज्वाइन करते हैं, स्पीड टेस्ट वगैरह ज्वाइन करते हैं, टेस्ट सीरीज़, मॉक टेस्ट वगैरह ज्वाइन करते हैं, जिसके लिए हम एक अच्छा खासा अमाउंट पे करते हैं, और फिर होता क्या है, हमें टेस्ट ही तो देने होते हैं उसमें, ठीक है। तो यहाँ आपको फ्री टेस्ट मिल रहा है, इसके साथ साथ आपको एक अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, कि हो सकता है अगर आप टॉप थ्री तक स्कोर कर ले जाओ, तो आपको जो यहाँ पे टॉप थ्री तक प्राइजेस रखे गए आपके लिए, काफ़ी सारे एक्साइटिंग प्राइजेस हैं, उनमें से भी आप उनको जीत सकते हो। इसके अलावा भी पहले भी ये सारी चीज़ें चलाई गई थी, उसमें ये था कि आप अगर टॉप थ्री तक स्कोर करते हो तो एक साल का फ्री सब्सक्रिप्शन था पहले। अब भी आपके लिए कुछ बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ें होंगी, तो जैसा कि अन अकेडमी हर बार करता है, तो इसीलिए आप लोगों से मैं बोल रही हूँ कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाके इनरोल कर लीजिएगा। और अगर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, ठीक है, तो वो मेरा रेफरल कोड शिक्षा10 यूज़ कर सकता है। कोई भी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो किसी भी कैटेगरी के लिए, बैंक, SSC या कोई भी कैटेगरी अगर आप लेना चाहते हैं, ठीक है, रेलवेज, या फिर किसी भी कैटेगरी के लिए आप मेरा रेफरल कोड जो है शिक्षा10 वो यूज़ कर सकते हो, अभी स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो चलिए जल्दी से अब बढ़ते हैं अपनी आज की ट्रिक के ऊपर, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चलिए देखते हैं। बिल्कुल फ़नी फ़नी ट्रिक्स हैं, आपको 2 मिनट में चीज़ें याद हो जाएंगी, और ये इसीलिए थोड़ा सा जो है मैंने फ़नी बनाया है, ताकि देखिए होता क्या है कि याद सबको रहता है, ऐसा नहीं है कि लोग भूल जाते हैं, लेकिन कई बार होता क्या, फ़नी चीज़ें जो होती हैं हमको थोड़ा लॉन्ग टर्म तक याद रहते हैं, ठीक है। वो फ़नी चीज़ें जो हैं हमको, या कुछ अच्छा सा जो अगर आपको पता है, जैसे सॉन्ग है तो सॉन्ग आपको याद रहता है, क्योंकि वो लिरिकल होता है थोड़ा, उसमें से क्या होता है, लिरिक्स टाइप की होती है, जिनसे हम थोड़ा सा गाने को क्या करते हैं, पसंद करते हैं, थोड़ी राइमिंग टाइप की बनती है उसमें। तो इसी तरीके, इस तरह से चीज़ें जब कुछ होती हैं, अगर हम उनको इन वे में याद रखते हैं, तो वो हमें लॉन्ग टर्म तक याद रहती है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमारी जितने भी आज की ट्रिक्स होंगी, सारी की सारी ज्योग्राफी पे बेस्ड होंगी। ट्रिक क्या है, पहली वाली ट्रिक देखिए, लिखा हुआ है, दूल्हे के साले ने बगल में बैठकर जमकर चना खाया। दूल्हे के साले ने बगल में, किसके बगल में बैठा, दूल्हे के बगल में बैठ गया, ठीक है। दूल्हे के साला, साला आप जानते हो ना कौन होता है, ब्रदर इन लॉ होता है, यानी कि जो लड़की का भाई है वो, ठीक है। तो दूल्हे के साले ने बगल में बैठ कर जम कर चना खाया, उसको भाई चना खाना था, उसको बहुत भूख लगी हुई थी, तो उसने जम कर चना खाया। अब चलिए देख लेते हैं इससे क्या हमारी ट्रिक बनेगी। देखिए,
जल्दी जल्दी हम लोग सारे जो नेम है वो देखते जाएंगे क्योंकि काफी सारी ट्रिक्स हैं। देखिए आया है आपका दूल्हे। दूल्हे से हमारी कौन सी परियोजना बनेगी? दुल्हस्ती परियोजना। दुल्हस्ती परियोजना याद रखिएगा, दूल्हे से कौन सी परियोजना बनेगी? दुल्हस्ती परियोजना। ठीक, दूल्हे से कौन सी परियोजना बनेगी? दुल्हस्ती परियोजना। यहां मैं लिख दे रही हूँ, दूल्हे से बनी है। ठीक है, चलिए उसके बाद आया है हमारा साले। और देखिए जो जो हमारे पॉइंट जिनसे हमारी ट्रिक बन रही है उसको पहले मैं अंडरलाइन मैंने कर दिया है। ठीक है, दूल्हे से बन रही है, फिर साले से बन रही है, ये सब ऐसे एक्स्ट्रा वर्ड्स लगाए गए हैं कुछ, और बगल से। तो देख लेते हैं, दूल्हे का हो गया, साले का भी देख लेते हैं। साले से बनेगी, एक मिनट, सलाल परियोजना। सलाल परियोजना, दूल्हे से हो गया दुल्हस्ती परियोजना, साले से हो गया सलाल परियोजना। अब यहां देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। चलिए अब देखिए आया है बगल। बगल आया ना, चलिए कलर जो है चेंज कर लेते हैं। बगल से क्या होगा? बगली हार। बगली हार डैम है ना, बगली हार परियोजना कहिए, बगली हार बांध कहिए, बगली हार डैम जो है। देखिए बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो है उनका उद्देश्य क्या होता है? उनको मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो एक साथ कई सारे पर्पस को कंप्लीट करती हैं। वो बिजली बनाती हैं, वो पानी की जो कमी होती है सिंचाई वगैरह करने के काम में आती है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनसे फ़ायदा होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इनको क्या बोलते हैं? मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स। एक साथ कई सारी चीज़ों, कई सारे पर्पस को हमारे ये क्या करती है? कंप्लीट करती है। ठीक है, तो हम लोगों ने तीन देख लिए। पहले तो प्रोजेक्ट देख लिए, दूल्हे के साले ने बगल में बैठकर जमकर चना खाया, तो दूल्हे से बना दुल्हस्ती परियोजना। ठीक है, दूल्हे से बना दुल्हस्ती परियोजना, बगल से बना बगली हार परियोजना, और साले से बना सलाल परियोजना। अब ये जो तीनों परियोजनाएं हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जो तीनों परियोजनाएं हैं ये किस राज्य में और किस नदी पर स्थित हैं ये देख लेते हैं। तो देखिए अब आपका शब्द एक आया है, अब आपका शब्द आया है जमकर और चना। ठीक है, जमकर और चना जो शब्द आया, इससे भी आपकी ट्रिक जो है वो बन रही है। अब जो जमकर शब्द आया है, जमकर से क्या होगा भाई? जमकर लिख लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। कलर मैं इसलिए चेंज कर लेती हूँ क्योंकि पिछला कलर वो लिया है तो फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। चलिए जमकर जो आया है इसका मतलब है जमकर, जम्मू कश्मीर। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा, JNK, जम्मू कश्मीर, JNK। तो जमकर, अब देखिए ये आ गया कि कौन सी स्टेट, स्टेट का नाम आ गया आपका। ठीक है, ये तीनों परियोजनाएं किस स्टेट पे हैं? जम्मू कश्मीर। उसके बाद आया आपका चना। चना आया है, चना को देख लेते हैं। चना, चना से क्या बना? चना से है हमारा रिवर का नाम, चिनाब या चिनाब कुछ भी बोलिए, चिनाब नदी, चिनाब नदी। ठीक है, तो हमारी ट्रिक क्या थी? दूल्हे के साले ने बगल में बैठकर जमकर चना खाया। देखिए मुझे ऐसे याद है, दूल्हे के साले ने बगल में बैठकर जमकर चना खाया। ठीक है, ये आपको भी याद हो जाएगा, आप एक बार देख लोगे आपको भी याद हो जाएगा, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। तो देखिए दूल्हे के साले ने बगल में बैठकर जमकर चना खाया, दूल्हा दूल्हे से बना दुल्हस्ती परियोजना, साले से बना सलाल परियोजना, बगल से बना बगली हार परियोजना, जमकर से हमारा क्या बन गया? स्टेट पता चल गई हमें, जम्मू कश्मीर, और चना से चिनाब नदी। ठीक है, किस नदी पर है, किस स्टेट पे है, कौन कौन सी परियोजनाएं हैं। ठीक, अब आपको ये चीज हो गई होगी क्लियर, पहली ट्रिक वाली एकदम क्लियर हो गई होगी, आई होप क्लियर हो गई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो मुझसे। अब सेकेंड वाला देखते हैं। ठीक है, सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड क्या कह रहा है? इंडिया को करेला प्यारा है, इंडिया को करेला प्यारा है। इंडिया में बहुत सारे लोगों को करेला बिल्कुल भी प्यारा नहीं है। ठीक है,
इवन मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ठीक लगता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, और जूस तो बिल्कुल नहीं पसंद है। तो लेकिन ये ट्रिक के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि इंडिया को करेला प्यारा है भाई। बहुत सारे करेला लवर्स हैं और शायद वीडियो भी देख रहे होंगे, ठीक है। तो इंडिया को करेला प्यारा है। अब बात कर लेते भाई इससे हमारा क्या क्या बनने वाला है इस दूसरे ट्रिक से। इस दूसरे ट्रिक से आपका एक डैम बनेगा और उसका स्टेट, और हम लोग देख लेंगे कौन सी नदी पर है। ये अंडरलाइन मैंने कर दिया, दूसरे कलर से अंडरलाइन कर देते हैं, इंडिया करेला प्यारा, ठीक है। इंडिया करेला प्यारा ये आपका बन रहा है। चलिए देख लेते हैं, काफी लोग समझ गए होंगे कि क्या ट्रिक है, क्या बनेगा इससे। देखिए जो आपका इंडिया शब्द आया है, इंडिया शब्द जो आया है उससे क्या बनेगा, इंडिया। इंडिया जो आया है इंडिया से क्या बनेगा, इडुक्की बांध। इडुक्की डैम जो है ना, इडुक्की बांध इंडिया से हो गया आपका इडुक्की बांध। अब उसके बाद देखिए लिखा हुआ है करेला, तो करेला है आपका स्टेट के लिए। करेला जो आया है, कलर चेंज कर लेते हैं, करेला जो आया है वो आया है स्टेट के लिए, यानी कि केरल, ठीक। करेला आया है केरल के लिए। अब देखिए आया है प्यारा, तो प्यारा क्या है, इसमें भी कलर कर लेते हैं चेंज, ये स्टेट है याद रखिएगा, स्टेट के लिए आया है, ठीक। अब प्यारा शब्द जो आया है नीचे लिख लेते हैं इसको, प्यारा को इधर देख लेते हैं हम। इंडिया को करेला प्यारा है, इंडिया से हो गया इडुक्की बांध, करेला से हो गया केरल, और प्यारा से हो गया हमारी रिवर का नेम, कौन सी रिवर, पेरियार नदी, पेरियार नदी, ठीक है, पेरियार रिवर। चलिए तो ये हो गई हमारी सेकेंड ट्रिक इससे, लेकिन एक ही बना, लेकिन अभी और जो आएंगे उनसे दो तीन नदियों का या डैम्स का हम लोग देख लेंगे, मतलब दो तीन डैम्स का देख लेंगे, नदी तो एक ही होगी। इंडिया को करेला प्यारा है, इंडिया से इडुक्की बांध, करेला से केरल जो कि है आपकी स्टेट, और नदी कौन सी है, पेरियार नदी, यानी कि इडुक्की बांध कौन सी नदी पर स्थित है, पेरियार नदी पर स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है, केरल राज्य में स्थित है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, होता क्या है कि यहाँ पे इजी लग रहा है लेकिन वहाँ जब आते हैं बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं तो लगता है इसमें है इसमें है, अगर याद नहीं होता है बाई चांस तो, या कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमको याद होता है लेकिन एग्जाम टाइम हम भूल जाते हैं। तो अगर आपको ट्रिक्स थोड़ी सी भी याद आ जाएंगी तो आप कर ले जाओगे, ठीक। चलिए अब आते हैं थर्ड ट्रिक पे। थर्ड ट्रिक देखिए क्या कह रही है, माता जी ने बेत से उत्तम को मारा। माता जी ने, अभी बहुत सारी ट्रिक्स इसकी और हैं जो मैं एक वीडियो में आपको और कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है। यानी कि एक ये वीडियो और फिर एक वीडियो और ले आएंगे जिसमें वो सारी ट्रिक्स भी आपके कंप्लीट हो जाएंगी। तो ये जो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि मैम अगर हो सके तो एक बार, मैंने करवाया है कि नदियाँ और वो कहाँ से हैं, उनके कौन सा डैम है, कहाँ पे स्थित है, मैंने बताया, पर काफ़ी लोग कह रहे थे बाई ट्रिक्स अगर आप बता सकें तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो मैंने कहा बिल्कुल बाई ट्रिक्स बता देते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए इसको देख लीजिए, माता जी ने बेत से उत्तम को मारा, ठीक है। बेत से मारा, बेत जानते हैं ना, रूल कह लीजिए, या फिर बेत एक टाइप का डंडा होता है, सभी लोग जानते हैं और कभी ना कभी स्कूल टाइम पे या खाया ही होगा मार। तो माता जी ने बेत से उत्तम को मारा, माता से क्या बनेगा, माता से हमारा बनेगा माता टीला बांध। माता शब्द जो आया है उससे क्या बनेगा, माता टीला डैम। ओ एक मिनट, माता टीला बांध, मैं आज जल्दी जल्दी लिख रही हूँ क्योंकि काफी लोग कहते हैं मैम बहुत धीरे धीरे लिखती हैं आप, ठीक है। तो जल्दी जल्दी थोड़ा सा आपको बता रहे हैं, माता से है माता टीला बांध। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका आया है बेत, ठीक है। तो ये आपकी नदी का, नदी के लिए बताया गया है कि नदी कौन सी है, नदी जो दी हुई है, नदी के लिए आया है बेत शब्द। ट्रिकी शब्द कौन सा आया है, बेत, इससे बन रही है ट्रिक, इससे बन रही है और इससे बन रही है, ठीक है।
तो नदी के लिए आया है बेत, जिससे बनेगा हमारा बेतवा नदी, बेतवा नदी। ठीक है, माता टीला बांध नदी है बेतवा नदी। वैसे काफी लोगों को याद होगा कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित, लेकिन काफी लोग भूल जाते हैं। तो उनके लिए आगे अगर आप सिर्फ याद रहता है आपको कि कौन सी स्टेट का है, तो आप शॉर्ट को भी याद रख सकते हो। जैसे शॉर्ट ट्रिक इसकी क्या बन जाएगी, माता जी का बेत। ठीक है, माता जी का डंडा मतलब माता जी का बेत, इस तरीके से कुछ आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो चलिए, लेकिन अगर आपको स्टेट नहीं उसकी याद रहती, तो आप लोगों के लिए पूरी ट्रिक है, तो देख लेते हैं। उत्तम से क्या बनेगा, उत्तम से बनेगा, या तो आप यहाँ से ही दो शब्द निकाल लीजिए, या तो सिर्फ एक ही शब्द निकालिए, तो आपका उत्तर प्रदेश बन जाएगा, मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ। ठीक है, और मारा से आपका मध्य प्रदेश, या फिर आप यहाँ के उत्त वर्ड से उत्तर प्रदेश ले लीजिए, और मा से एमपी ले लीजिए, लेकिन आप जिस तरीके से भी चाहें वैसे कर सकते हो। और मारा से जो है वो आपका बन जाएगा एमपी, है तो ये आपकी यूपी की, लेकिन सिंचित क्षेत्र क्या है, मतलब कि देखिए जहाँ ज़्यादा फ्लो होती है उसकी अगर हम बात करें, तो वह है मध्य प्रदेश। लाभान्वित करती है ना पुस्तक, कौन से राज्यों को लाभान्वित करती है तो आपकी उत्तर प्रदेश की, लेकिन लाभान्वित मेन मेन किसको लाभान्वित करती है, एमपी को। ठीक है, मध्य प्रदेश इससे लाभान्वित होता है। चलिए, लाभान्वित राज्य है। ठीक है, सेवित राज्य भी बोला जाता है। तो माता जी ने बेत से उत्तम को मारा, माता टीला बांध, बेत से बन गया बेतवा नदी, उत्तम से बन गया हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश, एक मिनट मैं इसको हिंदी में भी लिख दूं, उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए, और मारा से हमने पढ़ लिया एमपी। अब देखिए यहाँ पे हमारी एक ट्रिक आई है, ट्रिक नंबर 4। ट्रिक नंबर 4 क्या है, चंबल का गंगा राज। चंबल वैसे भी गुंडे जैसे साउंड होता है ना, ये चंबल के डाकू वगैरह आपने सुना होगा, तो जैसे गुंडा राज होता है वैसे गंगा राज। ठीक है, तो चंबल का गंगा राज देख लेते हैं इसको। चंबल से तो देखिए क्लियर हो रहा है कि नदी कौन सी है, चंबल नदी है। ठीक, अब लेकिन हम पहले देख लेते हैं इससे क्या क्या बनेंगे। देखिए गंगा और राज, इसके अलावा है आपका चंबल, तो नदी आपकी चंबल रहेगी। नदी जो है वो कौन सी रहेगी भाई, चंबल रहेगी। तीन परियोजनाएं इससे आपको याद रखनी होंगी, कौन सी देख लेते हैं उन परियोजनाओं को भी हम लोग। गंगा सागर परियोजना, ठीक है, गंगा से बन गया गंगा सागर परियोजना। राज है ना, तो राज से क्या बनेगा, ये आपका बना है गंगा से, मैं इसको ऐसे एरो कर दे रही हूँ, ये बना है आपका गंगा से। उसके बाद आपके आए दो शब्द राज, ठीक है, तो रा से क्या बनेगा, राणा सागर परियोजना, सागर आएगा इसमें याद रखिएगा। ठीक है, राणा सागर परियोजना। और एक परियोजना और, वो कौन सी, उसको भी देख लेते हैं। जा आया है ना आपका जा, तो जा से भी देख लेते हैं। जा से क्या होगा, जवाहर सागर परियोजना, जवाहर सागर परियोजना। अब ये तीनों की तीनों परियोजनाएं एक ही नदी पर निर्मित है। नदी कौन सी है, नदी कौन सी है, चंबल नदी है। ठीक है, चंबल नदी है, और चंबल नदी के बारे में हम लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो में बात भी की है कि जामा पाव की पहाड़ियों से निकलती है, कहाँ से, मध्य प्रदेश की जामा पाव पहाड़ियों से निकलती है चंबल नदी। इसके अलावा हम लोगों ने चंबल नदी की ट्रिब्यूटरी यानी कि सहायक नदियों की भी बात की थी, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कौन सी नदी है, बनास नदी है। इससे पहले वाली वीडियो में बात की गई है, आप लोगों ने अगर नहीं देखी हो तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। बनास नदी जो है वो उसकी सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरीज के अलावा पार्वती नदी, काली नदी, शिप्रा नदी, ये सारी भी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक, आगे जाकर चंबल जो है वो यमुना में भी मिलती है। तो
ये सारी बातें तो खैर बात की हैं, फिलहाल जो हम देख रहे हैं वो ट्रिक से देख रहे हैं कि चंबल का गंगा राज था, नदी हो गई हमारी चंबल, और गंगा से बन गया गंगा सागर परियोजना, राज से बन गया राणा सागर परियोजना, जा से बन गया जवाहर सागर परियोजना। इसके साथ आप लोग ये भी याद रख लीजिएगा, यहाँ पे राज है मतलब राजस्थान, स्टेट की बात करें तो राजस्थान, लाभान्वित क्षेत्र तो और भी हैं लेकिन ये मेन कहाँ पे स्थित है, राजस्थान में। स्टेट की बात करें तो राजस्थान, लाभान्वित क्षेत्र और भी हो जाएंगे आपके। चलिए अब देखिए ट्रिक नंबर फिफ्थ को देख लेते हैं। ट्रिक नंबर फिफ्थ जो है बहुत ही अच्छी है, उससे आपकी काफी सारी ट्रिक्स जो है वो हो जाएंगे। दामोदर पति को दादू कहती है, ठीक है, फनी ट्रिक है। दामोदर, पहली बात इसमें फीमेल नाम बताया गया, जिस तरीके मतलब दामोदर एक लड़की बताई गई कि दामोदर है, वो अपने पति को क्या कहती है, दादू कहती है, ठीक है। तो थोड़ा फनी पर याद रख लीजिए, इससे क्या है आपको याद भी हो जाएगा और ट्रिक भी अच्छी बन जाएगी। तो दामोदर से तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ कौन सी नदी की बात की गई है, ठीक है, कौन सी नदी की बात की गई है, दामोदर नदी की बात की गई है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बंगाल का शोक बोलते हैं। नदी हमारी कौन सी हो गई, दामोदर। अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से डैम या बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो है इस पे स्थित है, तो देख लेते हैं जल्दी से। देखिए आया है शब्द, देख लीजिए किससे किससे, दामोदर तो नदी के नाम के लिए हो गया, पति से आपका बनेगा, को से भी बनेगा और दादू से भी बनेगा, इतने शब्द जो हैं आपकी ट्रिक में यूज होने वाले हैं, ठीक। चलिए अब देखिए हम लोग देखते हैं पहले, हाँ पति शब्द को देख लेते हैं, तो प और ती, पहले ये दोनों देख लेते हैं, ठीक है, प और ती देख लेते हैं। प से बन जाएगा पंचेत बांध, पंचेत डैम जो है ना, पंचेत डैम जिसको हम बोलते हैं पंचेत बांध, ठीक है, पास से बन गया पंचेत बांध। अब आया है आपका ती, ती से कौन सा बांध हो गया, तिलैया बांध, ती से है तिलैया बांध, ठीक। पति से क्या हो गया, पास से हो गया पंचेत बांध, ती से हो गया तिलैया बांध। अब देख लेते हैं को से क्या है, कलर चेंज कर लेते हैं, को से क्या है, को शब्द जो आया है, को से है कुलेरू बांध या कुलार बांध, कुलेरू बांध कुछ भी बोलिए, ठीक है, कुनार बांध भी बोला जाता है इसको, कुनार बांध, अलग अलग मतलब लोग अलग अलग इसके नाम देते हैं, कुनार बांध भी बोलते हैं। तो ये हो गया पास से पंचेत बांध, ती से तिलैया बांध, को से कुलार बांध, और देख लीजिए बचा है क्या हमारा दादू, तो दादू से देख लेते हैं, दादू से क्या बनेगा, दा, दा से देख लेते हैं, दा से है दामोदर बहुउद्देशीय परियोजना, दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना में लिख दे रही हूँ, आपको तो पता ही है सब बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, दामोदर घाटी परियोजना। और एक और देख लेते हैं, दू से क्या बनेगा, दू बचा है ना दादू का दू, दू से यहाँ पे देख लीजिए, दू जो है दुर्गापुर बैराज, दुर्गापुर बैराज परियोजना, परियोजना। अब आपको बता दें ये जितनी भी परियोजनाएं हैं सारी की सारी झारखंड में स्थित हैं, और इनमें से कई परियोजनाएं हैं वो पश्चिम बंगाल में भी हैं, ठीक है, या लाभान्वित होती हैं या मतलब हैं ये समझ सकते हैं। बाकी झारखंड में और पश्चिम बंगाल, ये दोनों जितनी भी इसमें परियोजनाएं दी हुई हैं, झारखंड और पश्चिम बंगाल ये दोनों राज्य से क्या होते हैं, लाभान्वित होते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कौन ट्रिक से हमारा क्या क्या बना है। देख लीजिए लिखा हुआ है दामोदर पति को दादू कहती है, यानी नदी कौन सी थी, दामोदर। अब ये सारी जितनी भी परियोजनाएं सबकी सब दामोदर नदी पे हैं स्थित, ठीक है, पास से हो गया पंचेत बांध। अब ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछता है पंचेत बांध कौन सी नदी पर स्थित है, तो आप क्या कह सकते हो, दामोदर नदी पर स्थित है, जगह झारखंड, ठीक है। उसके बाद देखिए को से हो गया आपका कोलार बांध, ठीक,
से हो गया तिलैया बांध। अब देखिए पंचेत बांध और तिलैया बांध जो हैं आपके ये सारे झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी हैं। फिर कोलार बांध, दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है आपकी ये सारी झारखंड, और फिर दुर्गापुर बैराज परियोजना ये झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी है। ठीक, तो ये हो गई हमारी आज की लास्ट ट्रिक, हमने देख लिए मतलब जितने क्वेश्चन इनसे अभी देख सकते थे हम लोगों ने देख लिए, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक, अब देखिए बात कर लेते हैं दामोदर घाटी परियोजना की। तो ये जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। ये पूछता है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना किसके मॉडल पर आधारित है, तो ये टेनेसी घाटी परियोजना पर आधारित है, टेनेसी नदी परियोजना पर आधारित परियोजना मानी जाती है। ठीक है, इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है वो स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना है। ठीक है, स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना, पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, तो दामोदर नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक, चलिए तो ये सारे के सारे आपके हो गए आपकी नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, सारी ट्रिक्स आई होप आप लोगों को क्लियर हुई होंगी, मैंने कोशिश की अपनी तरफ से सब कुछ आपको बताने के लिए। ठीक है, और बीच बीच में आप लोग लिखते जाया करिए, ठीक है, ताकि आपको दोबारा से चीज़ें दिक्कत ना करें। मैं एक बार ऐसे जल्दी से करती जा रही हूँ, बाकी आप, आपको अगर देखना हो तो आप वीडियो को पॉज करके इस तरीके से भी देख सकते हो कि क्या क्या ट्रिक्स हैं। अब मुझे बताइएगा कमेंट में कि आपको आज की ट्रिक्स कैसी लगी हैं। पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज़ 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 लाइक बनता है, शेयर भी बनता है, प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा सभी लोगों के साथ ताकि उन लोगों को भी ये वीडियोज़ मिल सके, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो ट्रिक के ज़रिए सीख सके। ठीक, इसके साथ साथ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा चैनल के साथ।